ऋग्वेद के समय से योग का जुड़ाव भारत के जनमानस के साथ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले पुरा अवशेषों से भी प्रमाणित हुआ है कि योग हमारी जीवन शैली का अंग रहा है। वर्तमान में योग की लोकप्रियता एवं महत्ता सर्वविदित है। योग को जीवन में उतार लेने पर व्यक्ति आरोग्य के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक तौर पर मजबूत बनता है। तनाव और चिंता से भरे आधुनिक समय में मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य का मार्ग योग से उपलब्ध होता है। महर्षि पतंजलि ने अपने महान ग्रंथ योग शास्त्र की रचना करके समस्त मानवता को एक आदर्श जीवन पद्धति की अमूल्य शिक्षा दी है। भारतीय चिकित्सा पद्धति, विशेष तौर पर प्राकृतिक चिकित्सा की बात हो तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण स्वाभाविक है। वे प्राकृतिक चिकित्सा के प्रबल पक्षधर थे और कहा करते थे कि शारीरिक उपचार के साधन हमारी प्रकृति में भी मौजूद हैं। वे इस बात से बहुत व्यथित रहते थे कि आधुनिक शिक्षा का संबंध हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के साथ नहीं है। विद्यार्थियों को अपने गांव और खेतों के बारे में ज्ञान नहीं होता। गांधी जी कहा करते थे कि हम सबको अपने शरीर के, गांव के, अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों को गांव के खेतों में पैदा होने वाली फसलों तथा वनस्पतियों के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। हमारे खेतों में, हमारी रसोई में और हमारे वन क्षेत्र में औषधीय वनस्पतियों, स्वास्थ्य रक्षक मसालों और जड़ी बूटियों का खजाना मौजूद है। इनके बारे में जानकारी होने से सामान्य रोगों का उपचार कम खर्च में हो सकता है और जीवन सुगम हो जाता है। COVID-19 के विरुद्ध लड़ाई में, विशेषकर महामारी के प्रकोप की दूसरी लहर में, आयुष चिकित्सा पद्धतियों ने लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने तथा उन्हें संक्रमण से मुक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि आदिवासी समाज में जड़ी बूटियों और वन औषधियों के ज्ञान की समृद्ध परंपरा रही है, परंतु पिछले 2 दशकों में पूरे देश में आयुष चिकित्सा पद्धतियों की लोकप्रियता में बहुत बढ़ोतरी हुई है। औषधीय जड़ी बूटियों एवं वनस्पतियों की मांग बढ़ी है। इससे हमारे किसानों और वनवासियों की आय में वृद्धि हो रही है और युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना से आयुष पद्धतियों की शिक्षा एवं लोकप्रियता को और बढ़ावा मिलेगा।